सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आए मीनारा मस्जिद के जस्ट सामने। हैंडवर्क और क्रोशिया वर्क का जो काम होता है ना गाइस, ये उसकी शॉप है। ये भाई के पास है ना, हमेशा से यही कपड़े सेल करते हुए आए हैं। ये बहुत पुरानी शॉप है इनकी। इनके पास जो भी आप कपड़ा देखेंगे ना, जो ये सेल करते हैं, ये पूरा प्योर का कपड़ा होता है और है ना प्योर हैंडमेड का कपड़ा होता है गाइस। ये मशीन वर्क का काम नहीं होता है, पूरा हैंडमेड का काम मिलेगा। अगर आपको बॉम्बे साइड जाना है तो आप इनकी शॉप में ज़रूर विजिट करना। ये जो आप देख रहे हो पिंक एंड ब्लैक वाला, ये पूरा प्योर का कपड़ा था गाइस। और है ना इसमें जो ये थ्रेड का काम देख रहे हो, ये भी कॉटन थ्रेड में पूरा ना, मतलब है ना लखनवी काम जैसा कुछ किया हुआ था। क्रोशिया वर्क के साथ इसका काम किया हुआ था गाइस, जो बहुत यूनिक है। क्रोशिया और है ना लखनवी काम को दोनों मिक्स करके बनाया जाता है। वो 1850 की रेंज का था। ये जो आप व्हाइट और ग्रीन वाला देख रहे हो, वो 1600 का था। और ये जो आप स्किन कलर वाला ये सामने देख रहे हो, ये 3500 का है गाइस। ये जैसा प्राइस है उसके हिसाब से ज़्यादा ही इनका काम बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से और ट्रिपल थ्रेड के काम से किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये पूरा क्रोशिया का हैंडवर्क का काम है गाइस। इसमें लेस वगैरह सब कुछ डिटेलिंग दी हुई है। लेस का जो फैब्रिक था वो कॉटन थ्रेड से इसका लेस बना हुआ है गाइस, जिसमें ना गर्म बिल्कुल भी नहीं होगी। इसकी ना फिनिशिंग टच की बात ही अलग है गाइस। आप देख सकते हो सामने से खुद, इसका ना ट्रिपल थ्रेड से इसका पूरा वर्क किया हुआ है। इसमें ना बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल है और इसके बॉटम में भी आपको ऐसा लेस का बड़ा पैटर्न देखने को मिल जाएगा और हैंडवर्क का भी काम देखने को मिल जाएगा। और इसके दुपट्टे में भी काम था और इसमें ना आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। 3500 की रेंज का है। और जो ये ऊपर का आप देख रहे हो, ये 1500-1600 ऐसी रेंज का है गाइस। इनके पास आप जाओगे तो आपको इनके पास बहुत सारी क्वालिटी के अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे। इनके पास है ना लखनवी कुर्ती होती है, वैसे भी है, उसमें भी प्योर के फैब्रिक के है और कॉटन में भी इनके पास अवेलेबल है गाइस। और है ना मल फैब्रिक के भी इनके पास है। और जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो, ये लॉन फैब्रिक में क्रोशिया का काम किया हुआ था। 1850 रुपीज़ का था ये। इसमें भी आपको कलर्स मिल जाएंगे। और ये जो सामने आप वाइट और पिंक वाला देख रहे हो गाइस, ये भी प्योर फैब्रिक में है, थ्रेड का काम किया हुआ है। 1550 की रेंज का है ये भी। इसमें भी आपको कलर्स मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ से बाय करना है तो मीनारा मस्जिद के जस्ट सामने आयशा थ्रेड्स एकदम बड़ा सा लिखा होगा, उसके नीचे ही ये भाई की शॉप है। आप यहाँ से जाके डायरेक्ट बाय कर सकते हो। ये क्या प्राइस में भाई ये कॉट सेट? 650। क्या साइज क्या होगा इसका? एक्सल डबल एक्सल 4XL। ये फैब्रिक कौन सा होगा भाई? कॉटन फैब्रिक है। और इसमें कलर्स मिल जाएंगे क्या? ये जरा मुझे पैंट बताइए ना इसका। गाइस आप देख सकते हो ये कॉट सेट है, 650 का बोल रहे हैं। इनके पास है ना कलर भी मिल जाएंगे। फ्री साइज है और 4XL तक का साइज है। ओके। और ये सब क्या, ये वन पीस है क्या? डेनिम की कुर्ती है। ओके। ये क्या प्राइस में होगी भाई? 450 की है। कैसा भाव फिक्स रहेगा कि अपना बार्गेन होगा? फिक्स है। और ये कैसा है? ये वाला 350 का है। ओके गाइस आप देख सकते हैं इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये भी कॉट सेट है क्या? कॉट सेट। ये क्या प्राइस में होगा? 650। गाइस आप देख सकते हैं एकदम फ्री साइज में कॉट सेट है ये। ये भी पैंट के साथ मिल जाएगा। इसमें कलर्स होंगे? कलर मिल जाएगा। ओके। और ये भी कॉट सेट ही होगा? ये भी अलग अलग पैटर्न में। ओके मतलब ये अलग अलग पैटर्न में। अच्छा इसका पैटर्न ही अलग है। ये अलग पैटर्न है, बेल्ट आएगा इसके अंदर। अच्छा इसमें बेल्ट आएगा, ये शॉर्ट है। ओके ये अबाया पैटर्न में, ये फ्लावर में, ये कुर्ती टाइप में। ओके और वो ब्लू वाला एक बताइए ना, इसके पीछे हैंगर के पीछे जो अप एंड डाउन है, क्या प्राइस में होगा ये सिंगल वाला? 350। ओके गाइस आप देख सकते हो ये 350 रुपीस में। इसका जो नीचे का पैटर्न है ये थोड़ा डिफरेंट है, ये रफल में अप एंड डाउन है और फैब्रिक इसका बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। 350 रुपीस का है। इसमें साइजेस मिलेंगे क्या? ओके और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वाला, ये सॉरी कितने का बोल रहे हैं आप? नहीं कितने का है ये? 350 का ये भी। ओके इसमें भी साइजेस मिल जाएंगे गाइस। अगर आपको इनसे बाय करना है तो आपको मीनारा मस्जिद के जस्ट सामने सिग्नल है ना, वहाँ पे ये शॉप है। आप यहाँ पे से आके डायरेक्ट इनसे बाय कर सकते हैं। ओके थैंक यू।